आज सावन का चौथा सोमवार है और दिल्ली के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इसी बीच दिल्ली आबकारी नीति मामले में तिहाड़ जेल से हाल ही में जमानत पर रिहा हुए आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया भी 12 अगस्त को दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भगवान शिव की आराधना के बाद कहा, भगवान शिव प्रेम के प्रतीक हैं, जिनके हृदय में निवास करते हैं उनके मन में दूसरों के प्रति घृणा नहीं हो सकती। सिसोदिया ने शिव से आशीर्वाद मांगा और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। गौरतलब है कि जेल से रिहा होने के अगले ही दिन 10 अगस्त को सिसोदिया ने दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में भी पूजा की थी। इसके बाद उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज के मंडावली गांव में स्थित मोहन बाबा मंदिर में भी भजन कीर्तन में हिस्सा लिया था। उस दिन सिसोदिया ने मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है जैसे भजन भी गाए। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 9 अगस्त को जमानत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए थे। रिहा होने के बाद उन्होंने 11 अगस्त को आम आदमी पार्टी के नेताओं, सांसदों और विधायकों के साथ 2025 में होने वाली दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की।